अपने दूसरे कार्यकाल के दो साल पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का चेहरा बदलने की तैयारी पूरी कर ली है। जनता दल यूनाइटेड, अन्ना द्रमुक, लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल को मिलेगा मौका। वाईएसआर कांग्रेस के भी सरकार में शामिल होने की चर्चा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहला मंत्रिमंडल विस्तार अगले कुछ दिनों में हो सकता है। इस विस्तार में प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के चार सहयोगी दलों जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, अन्ना द्रमुक और अपना दल को सरकार में प्रतिनिधित्व देंगे। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस को भी सरकार में शामिल किए जाने की चर्चा है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में कई अहम बैठकें करेंगे। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल को दिल्ली पहुंचने का संदेश दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली आने के लिए रवाना हो चुके हैं। नारायण राणे को भी जेपी नड्डा के ऑफिस से फोन जा चुका है। भूपेंद्र यादव और सुशील मोदी को भी दिल्ली रुकने के लिए कहा गया है। जनता दल यूनाइटेड से बातचीत अंतिम दौर में है, जबकि शाह मंगलवार को कुछ सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों के अनुसार जिन लोगों को मंत्रिपरिषद के भावी फेरबदल और विस्तार में शामिल किया जा सकता है, उसमें बैजयंत पांडा, राकेश सिंह, हिना गावित, संध्या राय, सुनीता दुग्गल, जनता दल यूनाइटेड नेता आरसीपी सिंह, लल्लन सिंह और संतोष कुमार आदि के नाम चर्चा में हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में शिवसेना और अकाली दल के एनडीए से नाता तोड़ने और राम विलास पासवान के निधन के बाद सरकार में सहयोगियों की भूमिका प्रतीकात्मक रह गई है। वर्तमान में महज आरपीआई की सरकार में भागीदारी है। आरपीआई का लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अध्यक्ष रामदास अठावले बतौर राज्यसभा सदस्य सरकार में बतौर राज्य मंत्री शामिल है। विस्तार में एनडीए में शामिल चार सहयोगी दलों को सरकार में प्रतिनिधित्व मिलना तय है। लोकसभा चुनाव के बाद सरकार गठन में महज एक सीट के प्रस्ताव को जनता दल यूनाइटेड ने खारिज कर दिया था। अब जनता दल यूनाइटेड को दो कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का प्रस्ताव दिया गया है। फिलहाल इस मामले में बातचीत जारी है। लोक जनशक्ति पार्टी से पशुपति पारस के मंत्री बनने की संभावना है। अन्ना द्रमुक को भी सरकार में शामिल करने की बातचीत हो रही है। अपना दल से अनुप्रिया पटेल का मंत्री बनना तय है, जबकि वाईएसआर कांग्रेस से भी बातचीत चल रही है। सूत्रों के अनुसार विस्तार और बदलाव का शिकार 24 मंत्रालय होंगे। खबर लिखे जाने तक थावर चंद्र गहलोत को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। उनको कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया है। राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी सांसद बनी थी, पर उन्होंने मंत्री बनने की इच्छा से इनकार किया है। सूत्रों की माने तो स्मृति ईरानी संगठन में कार्य करना चाहती हैं। स्मृति अपने मंत्रालय से खुश नहीं है। इसके अलावा 7 मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी हो सकता है। वर्तमान में मोदी मंत्रिमंडल में 57 सदस्य हैं। संविधान के नियमों के तहत मंत्रिमंडल में 81 मंत्री हो सकते हैं। इस फेरबदल में उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो मिल सकती है, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में वहां विधानसभा चुनाव है और राजनीतिक रूप से यह प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता है। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व भी इस विस्तार में बढ़ सकता है। अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव है। विस्तार के जरिए इन राज्यों में भी जातिगत सामाजिक संतुलन साधा जाएगा। विस्तार के संदर्भ में सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं। इसके अलावा उत्तराखंड से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत या तीरथ सिंह रावत को मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने की चर्चा है। हमारी नजर मंत्रिमंडल के विस्तार पर लगातार बनी हुई है। जो भी अब नया अपडेट होगा हम अगले वीडियो में बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।